नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 नवंबर बुधवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेट्रोल डीजल की दरों में कमी किए जाने के बावजूद लोगों का रुझान पंजाब की तरफ आज भी रहा, क्योंकि राजस्थान में पेट्रोल डीजल आज भी पंजाब से लगभग 15 रुपये प्रति लीटर महंगा है, जिसके चलते श्रीगंगानगर के साथ लगती पंजाब की सीमा में जाकर लोग पेट्रोल पंप से पेट्रोल डीजल लाते नजर आए। राजस्थान सरकार ने मंगलवार आधी रात से पेट्रोल डीजल की दरों में कमी कर दी है। मंगलवार को गहलोत मंत्री परिषद की बैठक में पेट्रोल में 4 रुपये और डीजल में 5 रुपये प्रति लीटर की कमी का फैसला लिया गया। नई दरें रात 12 बजे से लागू हो गई। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के फैसले की जानकारी दी, जिसके बाद श्रीगंगानगर में पेट्रोल 112 रुपये 3 पैसे प्रति लीटर और डीजल 95 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर हो गया। जयपुर जिले की पोक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी आरिफ मोहम्मद को उम्र कैद व 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी है। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त को बाकी जीवन भी जेल में ही रखा जाए। विशेष लोक अभियोजक विजय पारिक ने बताया कि पीड़िता 12 जनवरी 2019 को अपने मामा के पास सो रही थी। रात को आरोपी उसके पास आया और कुछ खाने के लिए दिया, जिसे खाकर पीड़िता बेसुध हो गई। इसके बाद आरोपी उसे बाइक से बगरू टोल के पास एक कमरे में ले गया और सुबह होने पर दोनों बस में बैठकर जयपुर आ गए। यहाँ पर आरोपी ने पीड़िता को एक कमरे में रखा और दुष्कर्म किया। कोटा जिले के कैथूनी पोल थाना क्षेत्र में एक भाई को बहन से हुई छेड़छाड़ का विरोध करना भारी पड़ गया। मछली मार्केट इलाके में बदमाशों ने चाकू से प्राणघातक हमला कर भाई को घायल कर दिया। बदमाशों ने उसे बातचीत के लिए फोन कर बुलाया था। घायल युवक को MBS अस्पताल में भर्ती करवाया है। युवक के सीने व जांघ में चाकू लगे हैं। घायल युवक ने बताया कि उसकी बहन 9वीं कक्षा में पढ़ती है, जिसके साथ नाबालिग युवक आए दिन छेड़छाड़ करता है। नाबालिग से पहले भी समझाइश की थी, लेकिन वो नहीं माना तो उसे दोबारा समझाया। नाबालिग ने फोन कर बातचीत के लिए मछली मार्केट बुलाया। बातचीत के दौरान आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। जयपुर जिले की कानोता थाना पुलिस ने 2 दिन पहले की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक उसकी पत्नी पर गलत नजर रखता था, इसलिए उसके घर के बाहर बाइक साफ करते समय तलवार से वार कर गला काट डाला। पुलिस ने बताया कि सोनू निवासी सूरज नगर को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को राजू बैरवा की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी थी। उसका शव विजयपुरा में सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला था। जांच में पता लगा कि सोनू कई लोगों से बोल रहा था कि राजू उसकी पत्नी पर गलत नजर रखता है, मैं उसे ठिकाना लगा दूंगा। हनुमानगढ़ जिले के विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण मदन गोपाल आर्य ने करीब 2.5 साल पहले 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास के आरोपी को 5 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि 19 मार्च 2019 को एक व्यक्ति ने भादरा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करते हुए बताया था कि 19 मार्च 2019 की शाम को उसकी 4 साल की पोती घर के आगे खेल रही थी, जो बाद में दिखी नहीं। अन्य बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि बच्ची को पवन कुमार उठाकर स्कूल की तरफ ले गया है। परिजन स्कूल में पहुंचे, शौचालय के पास पवन उसकी पोती के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था। अलवर जिले के MIA थाने पर मामा द्वारा भांजे की हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक युवक हिम्मत सिंह के पिता योगेश चंद्र ने बताया कि उनका बेटा हिम्मत सिंह अलवर में रहकर अपने मामा भरत के साथ टाइल्स लगाने का काम करता था। हिम्मत सिंह अदानी फैक्ट्री के पास किराए पर कमरा लेकर रहता था। हिम्मत की तनख्वाह नहीं मिलने के कारण वह दिवाली पर अपने घर नहीं गया। जब हिम्मत के परिजनों ने उससे न आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि 10 नवंबर को उसको पैसे मिलेंगे, तब मैं घर आऊँगा। लेकिन दिवाली बीत जाने के बाद भी हिम्मत सिंह अपने घर नहीं आया। हिम्मत के नाना रतिराम का फ़ोन आया कि उसने हिम्मत के पिता योगेश को बताया कि हिम्मत के मामा भरत सिंह ने अपने भांजे हिम्मत की हत्या कर दी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पाली जिले की अपर सेशन कोर्ट ने जमीनी विवाद में गांव के ही एक युवक की लाठी सरियों से हमला कर हत्या करने के 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक बाली नरेश शर्मा ने बताया कि 10 अगस्त 2014 को तणी निवासी अमराराम गरासिया अपने भाई के साथ बैठा था। इस दौरान पिपला तणी निवासी मागाराम, रणसाराम व कुकाराम ने उस पर पत्थर फेंके और उसे के चिल्लाने पर आरोपी भाग गए। रात को 3 आरोपी घात लगाकर एक दुकान के पीछे बैठे रहे। तणी निवासी अमराराम गरासिया व उसका भाई आए तो उन पर लाठी सरियों से हमला कर घायल कर दिया, जिससे दोनों बेहोश हो गए। अस्पताल में जाँच के बाद अमराराम गरासिया को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
पंजाब और छत्तीसगढ़ कांग्रेस में थमे राजनीतिक तूफान के बाद पार्टी अब राजस्थान में बगावती नेताओं को साधने में लग गई है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही राजस्थान में पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा लेकर नए सिरे से सरकार का पुनर्गठन किया जा सकता है। सब कुछ ठीक रहा तो इसी सप्ताह गहलोत मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली बार इसके साफ संकेत दिए हैं। सचिवालय कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल्द शपथ ग्रहण समारोह की संभावना जताई है। गहलोत ने कहा कि इस सुकून भरे शपथ ग्रहण समारोह का शगुन इतना शानदार होगा कि हमारे सरकार के मंत्रिमंडल का पुनर्गठन है वह भी अब जल्द होगा। भरतपुर जिले के बयाना थाना क्षेत्र से एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। एक युवक छत से गिरता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। यह पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि मरने वाले को शराब पीने की लत थी। घटना के समय भी वह छत पर बैठकर शराब पी रहा था। मामला अंबा टाकिस के सामने हरिजन बस्ती का है। मरने वाले का नाम सुरेश था। वह अपनी छत की बाउंड्री पर बैठकर शराब पी रहा था। उस समय छत पर सुरेश के अलावा कोई नहीं था। अचानक सुरेश छत से सीधे सिर के बल नीचे गिरा। वहां से गुजर रहे दोनों व्यक्ति सुरेश के पास गए लेकिन उसकी मौत हो गई थी। सुरेश के 3 बच्चे हैं। अलवर जिले के बहरोड़ थाना क्षेत्र में एक गैंग ने दूसरी गैंग के ऊपर फायरिंग कर डाली जिसमें से एक युवक की गोली लग गई जिसका इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार करीब 2 साल पहले गैंगस्टर विक्रम उर्फ लादेन के एक साथी ने जैनपुर बास के रहने वाले गैंगस्टर जसराम गुज्जर की हत्या कर दी थी जिसके बाद से दोनों गैंग के बीच दुश्मनी चल रही है। लादेन के घर पर स्वमणि का एक कार्यक्रम था। कोटपुतली गांव के गोपालपुरा गांव का रहने वाला नितिन अपने साथियों के साथ लादेन के गांव पहाड़ी जा रहा था। जैसे ही नितिन और उसके साथी जैनपुर बास के गांव पहुंचे तो तभी जसराम गुज्जर के साथियों ने नितिन और उसके साथियों पर फायरिंग कर दी। एक गोली नितिन की गर्दन में जा लगी। फायरिंग से बचते हुए नितिन और उसके साथी जैसे तैसे वहां से निकल आए। नितिन के साथियों ने घायल हालत में नितिन को अस्पताल में भर्ती करवाया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।